अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम। मैं हूं शुएब अहमद। तो हम सीख रहे हैं एमएस वर्ल्ड 2019 का कंप्लीट उर्दू कोर्स। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं और उसे डिफरेंट किस्म के कलर कैसे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं अपनी ये जो टेक्स्ट लिखी हुई ये चेंज करता हूँ, क्योंकि आप आई थिंक एक ही टेक्स्ट देख के उकता ही ना जाएं। इसे करते हैं डिलीट। यहाँ मैंने एक और डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ये वाली टेक्स्ट हम वहाँ लेके जाते हैं और इस पे आज काम करते हैं। ये देखें स्टूडेंट, मैंने एक और टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है। तो ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और राइट साइड पे है फॉन्ट कलर। किसी भी टेक्स्ट को आपने अगर हाईलाइट करना है या फॉन्ट कलर चेंज करना है तो उस टेक्स्ट को सबसे पहले आपने सेलेक्ट ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे ना ही टेक्स्ट हाईलाइट अप्लाई होगी ना ही फॉन्ट कलर अप्लाई हो सकता है। ये मैंने मतलब हाईलाइट आप इसलिए करते हो कि एक पैराग्राफ आपने लिखा है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो आप रीड करने वाले को बताना चाह रहे हैं, तो आप हाईलाइट कर दें ताकि वो रीडर जो है वो आसानी से पता उसे चल जाए कि ये चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। मतलब कोई हेडिंग वगैरह जो होती हैं वो आप हाईलाइट करते हो। यहाँ पे मैं ये यास्मीन अरशद नाम लिखा हुआ है, इसे मैंने हाईलाइट करना है। तो ये हम हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैं मुख्तलिफ किस्म के कलर दिए हुए हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये बात जहन में रखनी है स्टूडेंट कि हाईलाइट उस कलर से करना है कि आपकी जो टेक्स्ट लिखी हुई है वो भी पढ़ने वाले को नज़र आए। ये देखिए, अगर मैं ये आई थिंक ये ब्लैक है, हाँ ब्लैक कर देता हूँ तो ये नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि हमारी जो टेक्स्ट का कलर है वो भी ब्लैक है और हम हाईलाइट भी ब्लैक से ही कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी टेक्स्ट नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने ये करना है कि हाईलाइट कलर इस तरह का रखें ताकि आपकी टेक्स्ट जो है वो ईज़ली नज़र आ सके रीडर को। तो यहाँ पे देखें, ये अगर हम येलो रखते हैं तो ठीक नज़र आ रहा, रेड पे थोड़ा सा कम हो जाता है, इस पे भी नहीं हो सकता, पिंक पे भी इतना वाजिया नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम येलो लेते हैं तो ये देखें ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे, जो रीडर करने वाले को आसानी से वर्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये हाईलाइट किया हुआ वर्ड कौन सा है। ऐसे ही हम करते हैं, ये ESC को हाईलाइट करते हैं, इस पे भी यही कलर यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कलर और यूज़ करें तो उसके लिए फिर आप ऐसे करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लैक ही यूज़ करना चाह रहे तो ब्लैक यूज़ कर लें एंड देन फिर जाएंगे हम फॉन्ट कलर पे। क्योंकि अब देखें हमने वो हाईलाइट किया तो हमारी जो टेक्स्ट का कलर है वो तो अब रीडेबल ही नहीं रहा, क्योंकि वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे अपनी जो टेक्स्ट का कलर था वो चेंज कर देंगे ताकि वो वाजिया नज़र आए। ये हम आए हम टेक्स्ट कलर पे। अब यहाँ पे हमने वो कलर सेलेक्ट करना है जो कि ब्लैक पे इजी से नज़र आए। सिंपल अगर हम ये वाइट पे आएँ, सॉरी आई थिंक हमारी जो टेक्स्ट थी ना वो सिलेक्टेड नहीं थी। ये देखिए अब मैंने वाइट पे क्लिक किया, वाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब वो आसानी से रीड किया जा सकता है। ऐसे ही हम अगर आई थिंक हाँ ये येलो ठीक है, ये देखें ऐसे ये टेक्स्ट कलर हमने चेंज किया तो अब वो आसानी से रीड किया जा सकता है। ऐसे ही आप अपने पूरे टेक्स्ट में या पूरा जो आपका पैराग्राफ है उसमें जो
इंपोर्टेड वर्ड जो आप चाह रहे हैं कि हाईलाइट हों उनको सिलेक्ट करते जाना वन बाय वन। ऐसे में ये कबीर को हाईलाइट अपने कबीर को नहीं करते, हम करते हैं 7 अगस्त 2017 को सिलेक्ट करके इसे हाईलाइट करते हैं डार्क ब्लू से। एंड देन इसका कलर जो है वो हम आई थिंक ये सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तो इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं। ऐसे ही हम नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करते हैं, इस पे हम ये कलर देते हैं और टेक्स्ट कलर जो है वो सॉरी उसके लिए पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे आपके ये टेक्स्ट कलर अप्लाई नहीं होगा टेक्स्ट पे। इस पे हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए इस तरह आप अपनी टेक्स्ट को हाईलाइट एंड फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने वर्ड बाय वर्ड किया, आप इकट्ठा भी अगर सारी टेक्स्ट का करना चाह रहे हो तो सारी टेक्स्ट का भी कर सकते हो। सिंपल हमने सेलेक्ट सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लेकिन हमने जो पहले फॉर्मेट की हुई है ना वो असल में अब नज़र नहीं आ रही सही से। अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट फ्लैट ये कर देते हैं और इसे हम करते हैं अगेन सेलेक्ट, टेक्स्ट कलर जो है वो हम कर देते हैं यहाँ पे वैसे तो ब्लैक सही नज़र आ रहा है लेकिन मैं कोई कलरफुल लेना चाह रहा हूँ, चलो ये रेड ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट कलर एंड उसे हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे हम आए तो नो कलर की ऑप्शन दी है, अगर नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो जो कलर हमने अप्लाई किया हुआ था वो रेज हो जाएगा, आई मीन टू से के रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे मोर कलर की भी ऑप्शन दी हुई है, ये हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट भी कर ही देते हैं। हाईलाइट करने के बाद फिर सेलेक्ट करेंगे तो देन फॉन्ट कलर, यहाँ से मोर कलर भी यूज़ कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे जैसे ग्रेडियंट है मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे कि आप अपनी टेक्स्ट को ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। ग्रेडियंट कलर स्टूडेंट वो होते हैं जो कि कम से कम दो कलर जो है उनका मिक्सचर जो होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। दो से जितने ज़्यादा जितने चाहे इंक्लूड कर लें लेकिन मिनिमाइज जो होते हैं टू कलर से ग्रेडियंट बनता है, एक कलर से ग्रेडियंट नहीं बनता, वो फिर सॉलिड कलर बन जाता है। ये देखें अब मैंने इस पर ग्रेडियंट किया तो इस तरफ से देखें ये लाइट है और राइट साइड की तरफ जाते जाते ये ज़्यादा डार्क हो रहा है। ऐसे फिर सेलेक्ट करके ग्रेडियंट और यूज़ करते हैं, रिमूव ग्रेडियंट। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी ग्रेडियंट कर सकते हो, ये देखें यहाँ पे अगर कलर चेंज करना है तो इस पर आप क्लिक करके इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रेडियंट है, लीनियर कर सकते हो, रेडियल कर सकते हो, रेक्टेंगुलर कर सकते हो, पाथ कर सकते हो, ये हम लीनियर करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट लेते हैं, यहाँ से इसकी आप ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। आई थिंक लीनियर सही रहेगा यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे आप मतलब कि अपने ग्रेडियंट को मॉडिफाई कर सकते हो। ये सॉलिड फिल की ऑप्शन दी हुई है, सॉलिड फिल जो होगा वो एक ही कलर होगा स्टूडेंट्स, नो फिल पे कर देते हैं तो नो फिल हो जाएगा। आई थिंक आपको टेक्स्ट हाईलाइट एंड फॉन्ट कलर की समझ आ गई होगी।
तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की क्लास। आज की क्लास से रिलेटेड या इससे पहले की क्लासेस के रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।